चौधरी परिवार को कब से जानती हो तुम? 13 साल से। कभी ऐसा कुछ तुम्हें कोई बात उल्टी लगी हो उनकी? हाँ मैडम जी, इनकी शर्ट जब भी धोने जाती हूँ ना, हमेशा उल्टी लगती है। आपको कभी ऐसा लगा कि चौधरी परिवार में किसी को भी दहेज का या किसी और चीज का लालच हो? दहेज का लालच तो नहीं है, बल्कि ये लोग तो बहुत दान करते रहते हैं। लेकिन एक चीज का लालच है मैडम जी। किस चीज का? खाने का। अरे मैडम जी, इतना घी खाते कि बर्तन धोते धोते ना मेरा घी निकल जाता है, लेकिन प्लेट से घी नहीं निकलता। कभी तुम्हें ऐसा लगा कि चौधरी परिवार दीप्ति को टॉर्चर कर रहा हो, मारने कूटने का धमकी दे रहा हो? हाँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो दीदी को कोई टॉर्चर नहीं करते, पर दीदी से इतना प्यार करते हैं, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। वही तो, आजकल की सारी सासें अपनी बहुओं को बेटी बनाकर ही रखती है, मगर कुछ बहुएं होती है जो अपनी सास को कभी माँ नहीं मान सकती। क्या बकैती कर रही हो तुम? नौटंकी चल रहा है यहाँ पे? हाँ, कॉमेडी कर रही हो कब से? जो पूछा जा रहा है ना उसका जवाब दो, नहीं तो कंटाप रख के देंगे कान के नीचे। जाइए, हम नहीं बात करते आपसे, और अब हम आपको कुछ भी नहीं बताएंगे। और ज्यादा हमें डराने की कोशिश की ना तो केस ठोक देंगे आपके ऊपर। अरे नहीं नहीं, ये क्या कह रही हैं आप? करिश्मा जी देखिए तो कितना भोला भाला चेहरा है उनका, वो हमें सब कुछ बता तो रही है ना। आप आराम से बैठिए, हम बात करते हैं उनसे। हाँ आप पूछिए, आप खड़ूस नहीं है। इस घर में ऐसा कोई भी हो जो कुछ काम चोरी छुपे कर रहा हो? ये जो दीप्ति दीदी है ना, रोज शाम को 4 बजे पास वाले गार्डन में किसी से मिलने जाती है। 2-4 बार तो हमें भी अपने साथ लेके गई। अच्छा? लेकिन हमें ना बाहर ही खड़ा कर दिया, तो हम देख नहीं पाए कि किससे मिलती है। 4 बजे जाती है ना? हाँ 4 बजे। अभी तो सिर्फ आधा घंटा बचा है करिश्मा जी। हाँ पुष्पा जी, चलिए पता लगाते हैं दीप्ति का ऐसा कौन सा राज है जो सिर्फ उसी तक है। गाड़ी को भी अभी खराब होना था। अगर अम्मी के बताए उस लड़के से नहीं मिले तो वो तो बहुत परेशान हो जाएंगे। क्या करें, दूर दूर तक कोई पंचर वाला भी नहीं नजर आ रहा। क्या हुआ हसीना जी, ऐसे प्रतीत हो रहा है कि आप किसी विषम परिस्थिति में फंस गई हैं। हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और हम बाहर किसी पर्सनल काम से जा रहे थे। ऐसे ही बाहर जा रही थी या किसी विशेष व्यक्ति से मिलने जा रही थी? जी ये हम नहीं, आपके वस्त्र और उनसे आ रही सुगंध बता रही है। वैसे आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। चलिए हम आपकी सहायता कर देते हैं गाड़ी का टायर बदलवाने में। हाँ प्लीज प्लीज, थैंक यू। सीना जी, आप कब तक हमें यूं देखती रहेंगी? अब डिक्की से टायर तो निकाल लिए। हम टायर चेंज करें? हमें टायर चेंज करना नहीं आता। हमें भी नहीं आता था, किसी ने सिखाया और हम सीख गए। कार्य से पहले ही ये निश्चित कर लेना कि नहीं आता, अपनी अंतरात्मा के साथ छल करने समान है। हमारी दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगी तो आपको ये पता चलेगा कि इस संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं बना है जो औरत के लिए असंभव है। इसलिए हम जैसा कह रहे हैं वैसा कीजिए। आइए। बढ़िया हसीना जी, बहुत बढ़िया। हाँ
प्यार देखी। ये थाने में कैसे एक दूसरे पे गालियां बरसा रही थी जैसे बेटी नहीं सौत हो, और अभी देखो कितना प्यार आ रहा है एक दूसरे पे। हाँ कुछ गड़बड़ है, हमको सुनना पड़ेगा पुष्पा जी, हमको सुनना पड़ेगा। आप कुछ करिए, आप जाइए तो कुछ सुनिए जाके। कैसे हम कैसे छुप छुप के जाइए और जाके बातें सुनी जाइए। कहाँ हम छुपेंगे? छोड़ना, मैं क्या कह रही हूँ। अरे बेटा धूप हो रही है, हम कहीं छाव में जाके बैठे, वहां बैठते उस बेंच पे। चल माँ, अब मैं चलती हूँ, बहुत लेट हो गया। हाँ हम यहीं पे मिलते हैं कल, सेम टाइम सेम प्लेस। खुश रहे और भगवान तेरे हर मकसद में तुझे कामयाबी दे। थैंक्स माँ, चलो चलो बाय बाय। क्या सुना? कुछ नहीं ना, वैसे हमने समझने की बहुत कोशिश की, मगर एक बात जरूर है, ये माँ बेटी जो है ना जरूर कोई खिचड़ी पका रही है, वरना माँ बेटी होकर एक दूसरे से छुप छुप के क्यों मिलते हैं? हाँ यही पता लगाने हमें आया ना पुष्पा जी, कहाँ जरूरत था बंदर की तरह तीन बार कूदने का बीच में, सीधा यहाँ के बात नहीं सुन सकती थी आप उनका? आप हमें बंदर कह रही है तो का कहे? अरे इतना बड़ा गमला उठा के भाग के तो देखिए, हाँ आपकी कमर जवाब दी जाएगी। हाँ हमें ही करना चाहिए था, ये सब कबाड़ा कर दिया आपने। समझ में नहीं आ रहा है माँ बेटी के बीच में चल कर दुनिया के सामने एक दूसरे के बाल नोचती है और अकेले में इतना प्यार दिखाती है। अंकल अंकल कुछ खाने को दो ना। ओहो अच्छा आइसक्रीम खाओगे? चलो मेरे साथ, जल्दी आ जाओ, हम अभी आते हैं। हसीना जी। जी जी सर। बेटा दो आइसक्रीम देना बच्चों को। बेटा आपका नाम क्या है? रोशनी। रोशनी, वेरी गुड। और आपका? राहुल। राहुल, नाम तो सुना ही होगा, वेरी गुड। लग गया टायर, हो गया। अरे वाह क्या बात, वेरी गुड। वैसे आपको बच्चों से बहुत लगाव है। हाँ बहुत। दरअसल हमारा ये मानना है कि इस सृष्टि की सबसे खूबसूरत रचनाएं दो ही हैं, एक स्त्री और एक शिशु। अब दोनों से लगाव भला कैसे ना हो। लेकिन आप उनका नाम भी लिख रहे थे डायरी में, वो किस लिए? क्या बात है हसीना जी, मानना पड़ेगा, काफी नजर रखती हैं आप हम पर। बताते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये बात सिर्फ हमारे बीच रहनी चाहिए। हमने उन बच्चों के नाम इसलिए नोट किए ताकि हम उनका दाखिला एक उच्च विद्यालय में करवा के उन्हें अच्छी शिक्षा दे सके। लेकिन अफसोस अभी तक केवल 30 ही बच्चों की मदद कर पाने में सफल हुए हैं। लेकिन आशा करते हैं कि और ज्यादा बच्चों का भविष्य संवार सके। आपको देर हो रही है, आप कहीं जा रही थी, आप प्रस्थान कर सकती हैं। प्लान चेंज, अब हमें वहां नहीं जाना। आप चाय पीते हैं? नेकी और पूछ पूछ अवश्य। आशा करते हैं कि टायर ठीक से लग गया होगा। हाँ सीख गए हम एक ही बार में। अभी आप अपने बाल खोल सकती हैं। वैसे आप खुले बालों में अच्छी लगती हैं। आ, 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 आ,
अगर आ गया हो तो एक प्रश्न पूछें। हाँ जी सर, बिल्कुल। आप कैसा वर तलाश कर रही हैं? अभी तक तो तलाश ही कर रहे हैं, उम्मीद है जल्दी मिल जाएगा कोई। वो कहते हैं ना कि चीजें हमारी नजरों के सामने ही होती हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। बात वही है। आखिर चल का रहा है अनु भैया और मैडम सर के बीच में? इसके जड़ तक तो ना हमको जाना ही होगा, इससे पहले कुछ गड़बड़ हो जाए। वैसे एक बात तो है, भाग्य जब आपको किसी से भेंट कराना चाहे तो सारी ऊर्जाएं उसी ओर प्रवाह होनी शुरू हो जाती है, नहीं? ट्रांसलेट प्लीज। हमारे भाग्य में आपके साथ यहां बैठकर चाय की चुस्कियां लेना लिखा था, करेक्ट? अब यदि अगर ऐसा ना होता तो हमें कैसे पता चलता कि इस टपरी में इतनी उत्तम चाय मिलती है? आप सही कह रहे हैं, अगर हमारा टायर पंचर नहीं हुआ होता तो हम आपके साथ यहाँ बैठकर चाय पीने की बजाय जिस लड़के को देखने जा रहे थे उससे बातें कर रहे होते और उसकी हर छोटी छोटी चीज को जज कर रहे होते। और मानो अगर ऐसा होता और आपको लड़का पसंद आ जाता, फिर क्या? फिर हम उसे अम्मी से मिलवाते। अम्मी वैसे ही बेसब्री से हमारे होने वाले शौहर से मिलना चाहती हैं। ये तो है, माँ बाप तो हमेशा चाहते हैं कि बच्चे अच्छा जीवन जिए। और वैसे अगर आपकी अम्मी की अनुमति मिल जाती तब आप क्या करती हैं? अम्मी के बाद आता दूसरा और सबसे अहम पड़ाव, हमारे अंकल। ठीक है, हमारा डीएनए सेम नहीं है, लेकिन दिल का रिश्ता बहुत ज्यादा गहरा है। अच्छा, कौन है ये साहब? महिपाल सिंह हमारे अंकल हैं। अब्बा के बाद उन्होंने हमें पाला पोसा, हमारी सारी इच्छाएं पूरी की, हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो अगर अम्मी के बाद महिपाल अंकल इस लड़के को अप्रूव करते तब जाकर शायद हमारा निकाह हो पाता। अम्मा ये क्या बवाल मच रहा है इन दोनों के बीच में, हमको खोजना पड़ेगा। ये क्या कर रही हैं आप? ऐसे किसी की डेट खराब नहीं करनी चाहिए आपको, किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती ना आपसे। जो सीखा आपसे ही सीखा है पुष्पा जी। हमने हाँ हमसे। धन्यवाद। काट दिया ना। कैसी ननंद है आप, भैया और भाभी को साथ में देखकर आपको जलन हो रही है। एक तो आप हमें उनका ननंद और उनको हमारा भाभी कहना बंद कीजिए, और ये जो प्यार की कविताएं आप पढ़ रही हैं ना, किसी कविता सम्मेलन में जाके पढ़िए, 5-10 रुपए का इनाम मिल जाएगा आपको। कविता का तो पता नहीं, मगर आप पर एक निबंध जरूर लिखेंगे हम, खुसट बहू। चले आइए। वाह वाह, कितने प्यारे लग रहे दोनों साथ में। नहीं, आज साथ साथ चल रहे हैं, कल हाथ में हाथ डाल के चलेंगे, फिर ऐसे ही हाथ में हाथ डाल के हवन के इर्द गिर्द गोल गोल फेरे भी लेंगे। हाय, कुछ ज्यादा मजे नहीं ले रही हैं आप? हमारी तो आदत है, हर चीज का मजा लेते हैं हम। चलिए अभी। चाय 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 चाय। मैडम, वो दीप्ति चौधरी के केस का क्या हुआ? उसका भाई न्यायाधीश शरीफ आदमी है, मैडम कुछ भी करके आप केस को खामोश कर दिए, समझे कि नहीं? आपका हुकुम सर आंखों पर है, सच्ची में। आपका कोई और हुकुम है तो हमको वो भी बताइए ना, क्या ना हम ना अच्छे से ना ये थाने का संचालित नहीं कर पा रहे हैं। आप एक काम कीजिए, आप यहाँ बैठिए। अरे नहीं मैडम। अरे कहा नहीं नहीं, तुम किसी से कम हो का, बैठो आराम से बैठो, तशरीफ रखो अपना। माँ कसम, राजा जैसा फील हो रहा मेरे को। तो एक काम करो, राजा जैसा फील आ रहा ना तो पैर भी फैला दो। सनल, लाइफ में फर्स्ट टाइम गलती हो गई मेरे से। मैडम मैं माँ का बाप का सबका कसम खा के कहता हूँ, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा। भाग यहाँ से। क्या ही उनको ज्यादा हंसी आ रहा बिल्ले? नहीं, वो संतोष जी ने जब से वो मैडम सर और डीएसपी सर की वो चाय की चुस्की वाली बात बताई ना, तब से हंसी रुकी दे रही है। एक सेकंड, तुमको किसने बताया ये वाला बात? संतोष, पुष्पा जी ने।
पुष्पा जी तो गई हुई है ना अपने मामा के बेटे की शादी में कानपुर, तो कहाँ से बता दिया उन्होंने? हाँ, जाने से पहले फोन पे बताया था मुझे। मतलब जाते जाते भी उकसाने के लिए तुम लोगों को रख के गई हमारे लिए, इनकी तो ना अपनी। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद, जय हिंद। करिश्मा सिंह, इस दीप्ति के केस का क्या हुआ? जैसा हमने आपको बताया था कि हमें थोड़ा डाउट था उसके ससुराल वालों पर, तो हम पूछताछ करने गए उसकी मेड से। ससुराल वाले पूरे क्लीन है, पर हाँ एक बात हमको पता चली कि दीप्ति रोज शाम को छुप छुप कर गांधी गार्डन जाती है अपनी माँ उषा से मिलने। क्या? लेकिन उसकी माँ तो कल यहाँ बैठकर अपनी बेटी के बारे में इतना भला बुरा कह रही थी। हमको समझ में नहीं आ रहा मैडम सर, यहाँ गालियां दे रही थी, वहाँ गाजर का हलवा खिला रही थी अपने हाथों से। इसका मतलब माँ बेटे के सामने बेटे का साथ देती है ताकि उसकी नजरों में खलनाई का ना बने, लेकिन असलियत में वो साथ दे रही है अपनी बेटी दीप्ति का, जो यहाँ आई थी अपने भाई के खिलाफ केस लिखवाने की वो उसके पिताजी की जायदाद हड़प रहा है। जी, ये केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। ये गुत्थी अब ये माँ बेटी ही सुलझा सकते हैं। बुलाइए दोनों को थाने। जी मैडम। अंचिता, मेक श्योर कि जब दीप्ति साथ में हो तो उनके आसपास कोई सामान ना हो, फिर से वो गुस्से में आकर और कुछ तोड़ ना दे। इसलिए जब तुम्हें लगे कि दीप्ति गुस्से में आ सकती है, उनके आसपास से सारा टूटने लायक सामान प्लीज हटा देना। संतोष को इशारा कर देना, वो कर देंगे, ठीक है? इशारा? इशारा तो हम कब से कर रहे हैं मैडम सर, हम कितना ज्यादा इशारा किए लेकिन सामने वाला समझता ही नहीं। वैसे भी हम थाने में और कोई सामान टूटना अफोर्ड कर नहीं सकते, बजट पता नहीं कब पास होगा। पुष्पा जी कहाँ हैं? जी, उन्होंने पिछले महीने एप्लीकेशन दिया था, उनको शादी पे जाना था कानपुर अपने मामा के बेटे की शादी पे, वहीं गई। हाँ हाँ, दिया था उन्होंने एप्लीकेशन, हम बोले। ठीक है, बुलाइए दोनों को थाने। इशारा तो समझिएगा ना संतोष जी। अरे वो भाई साहब कहाँ है जिनसे कल काम की बात हुई थी? अरे वो फालतू आदमी ऐसे कहीं पे भी घूमता रहता। क्या क्या बोले? फालतू आदमी नहीं है वो, काम से घूमते हैं। आइए सर, आइए, बैठिए। हमारा काम हो जाएगा ना सर, हमारा केस रफा दफा हो जाएगा ना। देखो, केस को रफा दफा करने के लिए आज की नहीं प्रयास की जरूरत पड़ती है, प्रयास। लाया हूँ सर। लाया हूँ, वाओ ब्यूटीफुल। देखो, मैं अभी अंदर ही था तो आपकी माता जी और आपकी बहन जी इसी केस के बारे में बातचीत चल रही थी, तो मैंने अंदर बात की है। बस यहाँ 5,000 अंदर, वहाँ तुम्हारी बहन प्रॉपर्टी से बाहर, बस 3,000 काम होने के बाद। क्यों है? है ना? दे दो आराम से, कोई देख ना ले। सर दीजिए, हम गिन के देते हैं। गिन हम थोड़ा आधा 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 गिन लेते हैं, हम वजन से ही गिन लेते हैं। करेक्ट है, 5,000। सर हमारा काम कंफर्म हो जाएगा? अरे हो जाएगा, मतलब क्या हो गया? देखिए महिला पुलिस थाने में ना मैडम सर बस नाम से ही बड़ी है, बाकी इसमें मेरा रुतबा सबसे ऊपर है। मैंने मैडम सर को सब समझा दिया है, केस आपके हक में होगा। मैडम, ये सच है कि हमारे और मम्मी के विचार प्रेग्नेंट हैं। डिफरेंट? सेम डिफरेंस। मैडम सर, हमारा अपनी माँ से बात ना करने का कारण भी आकाश भैया ही हैं। उनके प्रति ममता दिखाने के लिए मम्मी को झूठ मूठ का हमारे खिलाफ होना पड़ा। इस बात से हमें इतना गुस्सा आता है कि हमारा दिल करता है हम किसी का सर तोड़ दें। हम आपकी बात समझते हैं, लेकिन आप शांति से एक बात बताइए दीप्ति, आप सिर्फ अपने भाई को नीचा दिखाने के लिए ये सब कर रही हैं? No, nose, nose, noses at all, madam, noses at all. हमारे पिताजी चौधरी जसवीर हनुमान अखाड़ा चलाते थे, उन्हीं की निगरानी में हमने भी पहलवानी सीखी। बाबूजी का ये सपना था कि हनुमान अखाड़ा पवन की तरह निरंतर चलता रहे, कभी रुके नहीं। लेकिन आकाश भैया अखाड़ा नहीं चला सके। पिताजी का सपना हम पूरा करके रहेंगे। ये सपना हम पूरा करके रहेंगे, ये सपना हम छोड़ने नहीं देंगे।
आप शांत हो जाइए, आप भी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखो दीप्ति, बात समझो, रिश्ते जो है मजबूत खंभों की तरह होते हैं, बहुत ज्यादा जोर लगाओगी तो टूट जाएंगे। हाँ, और ये सब बातें आपने अपने भैया को काहे नहीं बताई? हम बताए थे मैडम सर, हम बोले थे कि दीप्ति अखाड़े के कामकाज में हाथ बटाना चाहती है, पर उसके अभिमान को ठेस लगी और कहा कि औरतें अखाड़ा नहीं चलाती और ना ही वो चलाने देगा। अब इस सब के बाद तो हमारे पास और कोई चारा नहीं था, औरतों से दो गज की दूरी रखते रखते उसने परिवार को ही अपने आप से दूर कर दिया। मैडम सर, आप हमें 5 मिनट दीजिए आकाश के साथ, दो गज की दूरी से ऐसा कंटाप मारेंगे ना 6 गज की दूरी में जाके गिरेगा, बता रहे हैं आपको। नहीं करिश्मा सिंह, माना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते लेकिन जज्बात से जरूर मानते हैं। बुलाइए आकाश को थाने, हम उससे बात करेंगे। दीप्ति, तुम्हें तुम्हारा हक भी मिलेगा और तुम अपने पिताजी के सारे सपने पूरे भी कर पाओगे। देखो आकाश, हम ये सारी प्रॉब्लम अच्छे से समझ गए और हमने ये फैसला किया है कि दीप्ति को उसका हक दिलाने में हम दीप्ति के साथ हैं। हमारे हिसाब से हम आपको 2 ऑप्शंस दे सकते हैं। पहला, आप और आपकी बहन साथ मिलकर अच्छे से शांति से इस अखाड़े को चलाइए, और दूसरा, आप दोनों अपने अपने अलग अलग टाइमिंग फिक्स कर लीजिए और फिर उस हिसाब से अपनी बैचेस को ट्रेन करिए। अगर कानून यही चाहता तो ठीक है मैडम सर, ठीक है मैडम सर, चलते हैं। चलो। ये तूने सही नहीं किया दीप्ति, परिवार वालों की कमर तोड़ के अपना हक ले गई। अम्मा चलो, हम कह रहे ना, अब भी वक्त है, संभल जा। अम्मा चलो। करिश्मा सिंह, आप दीप्ति के साथ जाइए, मेक श्योर कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना। जी। चलो ये भी बहुत हो गया, आराम, उठो। कौन, क्या हुआ भाई? चलो घूम के आते हैं। अरे भरी दोपहर में कहाँ घूमेंगे, टैन हो जाएंगे, शाम को चलते हैं। उठो आकाश, बेटे क्या कर रहे हो? चूना लगाए हो ना तुम? चलो आप, तुम्हें अपने अखाड़े की धूल चटवाते हैं। ये इतना गुस्सा ठीक नहीं, गुस्सा ठुक ठुक दो ठुक दो तुम। देखो कुछ गलत फहमी हुई है, मैं मैडम सर से बात करता हूँ, उनको पैसे ना कम पड़े, और तुम थोड़ा और जुगाड़ करो ना। जुगाड़ तो तुम अपने लिए लगाओ, एक अच्छे डॉक्टर का। डॉक्टर का क्यों? तुम्हारी इतनी हड्डियां टूटने वाली है ना आज, जितनी तुम्हारे शरीर में नहीं। करिश्मा मैडम, हम ना यहाँ शादी के बहुत साल के बाद आ रहे हैं, घर पे तो आना जाना लगा रहता है, लेकिन यहाँ हम खुद से ही नहीं आए। बाबूजी ना हमें यहाँ पे कुश्ती सिखाते थे, इतनी कसरत करवाते थे कि हम थक के चूर हो जाते थे। इसी अखाड़े की मिट्टी में तो खेल कूद के मैं बड़ी हुई हूँ, लोगों के लिए तो ये एक अखाड़ा है लेकिन हमारे लिए ये दूसरा घर है। ये अखाड़ा मेरे बाऊजी का सपना था, तो आज उनकी बेटी अपने बाऊजी के सपने के लिए कैसे ना लड़े। एक सच्चा बाप वही होता है जो अपनी बच्ची को हारना नहीं लड़ना सिखाए। दाद देनी होगी आपके पिता की परवरिश की, काश हर बाप अपनी बेटी में यही गुण दे। आप आज इस अखाड़े से अपने पिताजी के सपने को ना जिंदा कीजिए। करिश्मा जी, हमें समझ नहीं आ रहा हम आपका शुक्रिया अदा कैसे करें। थैंक यू। अरे इतना भी मत जकड़िए, कानून को सफोकेशन हो रहा है।
कौन है गुलाबी बन मानूस बहुत बहुत भूत हो पिंक भूत कौन है तुम तुझे तो मैं बताती हूँ बिलौटा है अपना अपना बिल्लू बिल्ले तुम यहाँ क्या कर रहे हो ओ मैडम जी क्या चल रहा है यहाँ पर 2020 चल रहा है खेलोगे मैडम 2020 अब भी जस्ट खत्म हुआ है 2021 शुरू हो गया है बुपरी पुपरी मासूमियत मैडम जी आकाश भाई से अखाड़ा छीनकर उनकी बहन नहीं चला सकती काहे क्या तकलीफ है अगर दीप्ति जिम्मेदारी ले ले इस अखाड़े की तकलीफ है ये लड़की जो कुछ कर रही है वो हमारे समाज को बर्दाश्त नहीं है यहाँ का दस्तूर नहीं है ये भूला भूला ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है अरे ये फिर से भूल गए ये कोई तफ्तीश करने आए हैं हाँ हम कह रहे थे कि हमारे समाज में महिलाएं घर चलाती हैं पति को संभालती हैं बच्चों को संभालती हैं सास को संभालती हैं ये सब नहीं करती हमारे यहाँ पे महिलाएं फिर भी मर्द अपना जबान नहीं संभाल पाता है जो मुंह में आता है बक देता है जब पता है कि औरत इतना कुछ संभाल लेती है तो फिर अखाड़ा क्या चीज है भैया ओ दरोगा मैडम मर्यादा में रहिए मर्यादा में कल को अगर हम में से किसी एक की बेटी अपने पिता या भाई का हक मांग ले तो क्या करेंगे हम ये गलत मिसाल हम यहाँ नहीं बनने देंगे अपना मिसाल को डाली अपने दांव में और अपनी अकड़ को डाली अपने पांव में समझ गए ये कानून है चाचा आपका बेटी नहीं है जिसे आप किसी काबिल नहीं बनने देंगे देखिए आप एक महिला हैं और हम महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं और उसी सम्मान सहित आपसे आग्रह करते हैं कि यहाँ से चले जाइए वरना आपको बहुत महंगा पड़ेगा सस्ती चीज है ना करिश्मा सिंह को वैसी ही पसंद नहीं है और ये बात बात पे मर्द और औरत का धमकी देना हमको बंद कीजिए आप भूल गया देखिए मैडम मजदूर की मांगे तो आपको माननी पड़ेंगी वरना हम सारे मजदूर यहाँ पर धरने पर बैठ जाएंगे मजदूर एकता जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद मजदूर बाबू मुंह का तक रहा है मार नहीं यार मजदूर को उसका हक दो मजदूर बहुत बच्चे मैं तुम्हें सिर्फ याद दिलाने के पैसे दे रहा हूँ हाथ साफ करने के लिए सिर्फ हल्का हाथ हाथ समझे देखिए मैडम यहाँ पर पुलिस और कानून को कोई नहीं मानता अच्छा नहीं मानते होंगे पर जब भिन्न भिन्न प्रकार की धाराएं लगाकर आपको जेल भेजेंगे ना तो अपने आप कानून का पालन करने लगेंगे समझ रहे हैं बात को देखिए आप यहाँ पर जितने लोगों को खड़ा देख रही है ना किसी पर कोई ना कोई केस चल ही रहा है आपको क्या लगता है कि हम लोग अंदर हैं अरे आपके सामने खड़े हम जेल में नहीं है यहाँ पर तो वही होगा जो हम करना चाहेंगे हम अभी भी आपसे कह रहे हैं कि इज्जत से ये अखाड़ा खाली कर दीजिए वरना
हम भी देखते हैं आप सब में कितना ताकत है, क्योंकि हम यहाँ ना दीप्ति को उसका हक दिलाने आए हैं। उसके लिए हमें थोड़ा बहुत हड्डियाँ और थोड़ा कानून तोड़ना पड़ जाए ना, हमें फर्क नहीं पड़ता है, समझ रहे हैं आप? भूल गया। आप लोगों को वर्दी में कसरत की कोशिश करते हुए देखकर हमें बड़ा ही अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। ले बाबू इसको मार, देख ही बार में सब याद आ जाएगा। लो अभी तो हम यहाँ से जा रहे हैं, मगर आप ये मत समझिएगा कि हम इस बात को भूल जाएंगे। अब इस मसले को हम अपने तरीके से निपटाएंगे। करिश्मा सिंह, आप एक जिम्मेदार ऑफिसर हैं। आप ऐसा काम कैसे कर सकती हैं? आपने भीड़ को उकसा दिया। खुदा ना खास्ता अगर जरा सी गलती हो जाती, किसी की जान चली जाती तो क्या करती आप? पहली बात तो आपके पास फोर्स नहीं थी और आप गुस्से से काम ले रही थी। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था मैडम सर। वो समाज का ठेकेदार बन के सबको डराने का कोशिश कर रहा था, हमको खदेड़ना चाहता था अकाड़े में, तो हमने सिर्फ उसका अकल ठिकाने लगाया है। और अगर आपसे कोई गलती हो जाती तो हमें ऊपर तक जवाब देना पड़ता, उसका क्या? हमें ना नफरत है ऐसे लोगों से जो अपना सोच ना अपने से कमजोर वाले पे थोपते हैं। हमारा बस चले ना थाने लाके ऐसा लथाड़े उसको कि जिंदगी भर समाज का ठेकेदार तो क्या अपने पैरों पे खड़े होने के काबिल नहीं बचेगा वो। अच्छा, तो फिर उनमें और हमें फर्क क्या रह जाएगा? करिश्मा सिंह, आप बार बार ये बात भूल जाती हैं कि आप एक पुलिस वाली हैं, कोई गुंडी नहीं है। वाह, जय हिंद सर। जय हिंद। क्या बात है करिश्मा सिंह, आपकी तारीफ तो हेडक्वार्टर्स तक पहुंच गई है, इसलिए कमिश्नर साहब ने हमें यहाँ आपसे इसी सिलसिले में वार्तालाप करने के लिए भेजा है। वैसे हम जानते हैं कि अखाड़े का अधिकार आपने कैसे लिया। देखिए करिश्मा सिंह, क्रोध का नियंत्रण बल का प्रमाण होता है, कमजोरी का नहीं। क्रोध के हथकंडों से केसेस सॉल्व नहीं किए जाते हैं, केसेस सॉल्व करने के लिए जज्बातों से काम लेना पड़ता है। और विश्वास कीजिए, जज्बातों से केसेस सॉल्व हो जाते हैं। आप कब से भावनाएं और जज्बातों से केस सॉल्व करने लगे सर? हड्डियां तोड़कर जवाब निकलवाना, ये हमने आप ही से तो सीखा था, तो फिर जज्बात? डीएसपी सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, किसी भी मुश्किल का हल निकालना इतना मुश्किल नहीं होता जितना मुश्किल होता है उसे जज्बात से समझना। जज्बात से कोई भी मुश्किल हल हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने हसीना जी, इसी बात पर एक शेर अर्ज है। ना हो उदास गिर के तू मल्हारे, चला नौका तू भावनाओं के चप्पू के सहारे। क्या बात है सर, हमें तो पता ही नहीं था कि आप शेरो शायरी भी करते हैं। एक शेर हमें भी याद आ रहा है, सुनाए। इरशाद। आंखों में ख्वाबों के आजाद परिंदे रखना, कुछ और रखना ना रखना, दिल में जज्बात जिंदा रखना। वाह हसीना जी। मैडम, मैडम उन लोगों ने हमारे अखाड़े का बहिष्कार कर दिया है, कोई भी हमारे अखाड़े में दाखिला नहीं ले रहा है, हम क्या करें मैडम? बाबूजी का सपना कभी पूरा नहीं होगा। देखिए मैडम, ये देखिए अखाड़े के बीचों बीच ये नोटिस चिपका कर चले गए हैं कि ये हनुमान अखाड़ा अभी समाज का हिस्सा नहीं है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि इस अखाड़े को एक महिला चलाना चाहती है। दीप्ति जी, आप हार नहीं मान सकती, आपको हिम्मत से काम लेना होगा, खासतौर पर अब जब ये सब हो गया है। आपकी लड़ाई अब सिर्फ अपने भाई से नहीं है, इस समाज से भी है जो ऐसी सोच रखती है। मैडम क्यों, क्यों हर बार हमें इस समाज से लड़ना पड़ता है अपना हक मांगने के लिए? ऐसी एक लड़ाई हमने बचपन में भी लड़ी थी, जब हमारे बाबूजी हमें कुश्ती सिखाना चाहते थे और हम सीखना चाहते थे,
उस वक्त भी इस समाज ने हमारा और हमारे परिवार का बहिष्कार किया था, ये कहकर कि लड़कियों का काम तो चूल्हा चौका संभालना है, कुश्ती तो मर्द करते हैं। एक बात बताइए दीप्ति जी, क्या इतना सब होने के बाद आपने कुश्ती छोड़ दी थी? नहीं, ना हमारे बाबूजी ने खुद कुश्ती छोड़ी थी, ना हमें छोड़ने दी थी। एग्जैक्टली, इस बार भी ना आप हार मानेंगी और ना हम आपको हार मानने देंगे। तुम्हें पता है इन पेपर लगाने वालों में और तुम्हारे में क्या फर्क है? ये सिर्फ पेपर लगा सकते हैं, लेकिन तुम अपना सपना पूरा करके ना इस पेपर में अपना नाम बनाओगी। इस जगह का बहिष्कार कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे सपनों का बहिष्कार वो कभी नहीं कर सकते। लेकिन करिश्मा मैडम, अगर कोई अखाड़े में दाखिला ही नहीं लेगा तो ये अखाड़ा चलेगा कैसे? वो धर्मपाल किसी को घुसने नहीं देगा यहाँ पे। मैडम सर, आप हमें ऑर्डर दीजिए, हम अभी जाते हैं और इन नोटिस वालों को उठा कर लाते हैं। कान के नीचे ऐसा कंटाप मारेंगे ना कि पूरा दिन उनके कान में ना शास्त्रीय संगीत बजेगा, देखना आप। करिश्मा सिंह, आप एक मर्तबा कोशिश कर चुकी हैं, क्या नतीजा निकला? बात ऊपर तक पहुंच गई और यहाँ पर पर्चा लग गया। सिर्फ धर्मपाल को मार दबोचने से ये समस्या का हल नहीं हो जाएगा, उसके समर्थन में और 100 लोग खड़े हो जाएंगे, तब क्या करेंगे आप? समस्या है समाज की सोच में, हमें उस सोच को बदलना होगा, उन सबको एहसास दिलाना होगा कि ये सब कितना गलत है, इसमें ना तो समाज का भला हो रहा है ना ही उनका खुद का। कैसे आप कैसे करेंगी, कैसे बदलेंगी सोच? जज्बात से, उन्हें एहसास दिलाना होगा कि उनकी सोच कितनी गलत है। माफ कीजिएगा मैडम सर, पर अभी अभी जो परिस्थिति चल रही है उससे साफ दिखाई दे रहा है कि जो जज्बात है ना वो अभी दीप्ति के साथ नहीं आकाश के साथ जुड़े हुए हैं। सबको मालूम है कि आकाश के पास सिर्फ ये अखाड़ा है, लेकिन दीप्ति एक पैसे वाले परिवार की बहू है, और जज्बात जब किसी के एक के हक में होता है ना तो वो उसी के पक्ष में सोचता है, फिर क्या सही और क्या गलत उनके लिए कुछ नहीं होता। अब बताइए आप कौन से जज्बात का दाव पेच खेलेंगी? वेरी गुड करिश्मा सिंह, अब आप इस केस की डिटेल स्टडी करने लगी हैं। आप में वो सारे गुण दिखने लगे हैं जो एक लीडर बनने के लिए जरूरी हैं। लेकिन मैडम सर, आप में जो गुण था ना वो जरूर घट रहा है। आप डीएसपी सर से ताल मिलाने में लगी हुई हैं। बस इस केस की चाबी आप मिला नहीं पा रही हैं, कैसे मिलाएंगी? आखिर आपको काम से ज्यादा दिलचस्पी शेरो शायरी में जो आ रहा है। दीप्ति जी, आप कीजिए अखाड़ा शुरू। इस अखाड़े में लोग दाखिला देंगे और ये हमारा वादा है, कल से हमें इस अखाड़े में माहौल बनाना पड़ेगा। हम समझ रहे हैं आकाश, लेकिन तुम निश्चिंत रहो, हमारे होते हुए उस अखाड़े में कोई दाखिला नहीं ले पाएगा। लेकिन इससे पहले कि पुट्टी के दाम बाजार में बढ़ जाएं, हमें 2 बोरी पुट्टी मंगा लेनी चाहिए। क्या है अखाड़े का जो रंग पपड़ी बन बन के चढ़? तो हम कह रहे थे कि जब उस अखाड़े में कोई दाखिला ही नहीं लेगा तो ना तो अखाड़ा चलेगा और ना उस लड़की की जबान। वो सब तो ठीक है चौधरी साहब, लेकिन कहीं दीप्ति ने अखाड़े का अपना हिस्सा किसी और को बेच दिया तो? अरे बेच तो तब देगी जब हम बेचने देंगे, न तो वो अखाड़ा बेच पाएगी न चला पाएगी, और परेशान होकर एक न एक दिन वो अखाड़ा तुम्हें वापस कर देगी। लेकिन चौधरी साहब, ये तभी हो पाएगा जब वो हसीना मैडम दीप्ति के पास से हट जाएंगी। आप तो जानते ही हैं कि हम लड़कियों से 2 गज की दूरी बना के रखते हैं। पता नहीं वो हसीना मैडम हमारे पीछे काहे पड़ी हुई है। नहीं नहीं नहीं, रंग तो पीला ही ठीक रहेगा भाई, सब दीवारों पर पीला रंग है तो इस दीवार पर क्यों लाल होगा? क्योंकि अखाड़े की मिट्टी लाल है, रंग तो जो है वो पीला ही होगा। तो हम ये कह रहे थे आकाश कि तुम इस हसीना की तो बिल्कुल भी चिंता ना करो, ऐसी 40 हसीनाएं मिलकर भी तुम्हारा अखाड़ा तुमसे छीन नहीं सकती, अखाड़ा तो तुम्हें ही मिलेगा, ये हमारा वादा है तुमसे। We'll be right back.
मैडम सर ये सब क्या है? हम सब आपका अखाड़ा ज्वाइन करने आए हैं। हम आपके चेले बनकर आए हैं और आप हमें कुश्ती सिखाएंगे। हम चाहते हैं कि हमें देखकर बाकी लोगों को भी प्रोत्साहन मिले, उन्हें लगे कि ये अखाड़ा धर्मपाल के बहिष्कार के बावजूद चल रहा है, ताकि दोबारा कभी किसी पर्चे के चर्चे ना हो। आप सब तैयार हैं? यस मैडम सर। मैं आप सभी के जज्बातों की कद्र करती हूँ, लेकिन आप इस अखाड़े के कानून और नियम अभी नहीं जानते हैं। इन नियमों की नींव हमारे बाबूजी ने रखी थी और उनका पालन करना बहुत बहुत जरूरी है। आप सब जज्बातों में यहाँ तक आ तो गए हैं, लेकिन ये इतना सरल नहीं होगा। हाँ, आजकल हम थाने में कम जज्बात में ज्यादा आते हैं। सिर्फ जज्बात की क्लासेस ही तो चलती है आजकल थाने में। दीप्ति जी, तजुर्बा कहता है हमारा, हार होती है मान लेने से और जीत होती है ठान लेने से, और हम सब ने ठान ली। क्यों टीम? यस मैडम सर। अगर ऐसी बात है तो मुझे बहुत खुशी है। अब हम सब अखाड़े में जाकर अखाड़े की मिट्टी अपने हाथ में लेकर कसम खाएंगे। हम सब ये कसम खाते हैं, हम सब ये कसम खाते हैं अखाड़े के नियम हम भूल कर भी नहीं तोड़ेंगे। अगर हमने नियम तोड़े तो हमें अखाड़े के नियम के अनुसार सजा मिलेगी। मिट्टी छोड़ दीजिए। अब हम आप सभी के गुरु हैं। अखाड़े का पहला नियम है गुरु का मान करना और उसकी आज्ञा का पालन करना हमारी संस्कृति है। इसलिए आपका कर्तव्य है कि आप बिना बहस और बिना सवाल के हमारी बातें सुनें। दूसरी बात, आप सब लोग रोज 1 घंटा योग करेंगे और 2 घंटे कसरत करेंगे। 2 दिन के बाद हम आप सबकी कुश्ती की ट्रेनिंग शुरू करेंगे। हमारे अखाड़े की एक प्रथा रही है, हर बैच से एक लीडर चुना जाता है जिसका शरीर और मनोबल दोनों मजबूत। लीडर चुनने के लिए हम एक प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। ये प्रतियोगिता इस इलाके की सबसे पुरानी प्रतियोगिता है, जिसकी नींव हमारे बाऊजी ने रखी थी। इस प्रतियोगिता को देखने के लिए आसपास के बहुत लोग आते हैं, तो देखते हैं आप में से लीडर कौन बनेगा। करिश्मा सिंह, ये बहुत अच्छा मौका है, मेहनत करिए, यहाँ आपका लीडर बनने का सपना जरूर पूरा हो सकता है। हसीना मलिक जी, आपने तो अखाड़े का पहला ही नियम तोड़ दिया। कौन सा नियम? अखाड़े का पहला नियम ये है कि आप अपने गुरु की बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे, आपका ध्यान यहाँ वहाँ भटकेगा नहीं। अब आपको इसके लिए सजा मिलेगी। आप एक तरफ चली जाइए और कान पकड़कर खड़ी रहिए। जाइए। चलिए, क्योंकि आज पहला दिन है तो आज हम सब हल्का व्यायाम करेंगे। हम आज 50 धन बैठक मारेंगे और 50 सपाट यानी कि पुशअप्स मारेंगे, लेकिन सबसे पहले वार्म अप बहुत जरूरी है, इसलिए हम स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करेंगे। चीती, समझ नहीं आ रहा है, सजा हमें मिली है, मैडम सर को मिली है, ज्वाइन करने से पहले सोच लेना चाहिए था ना। ख्याल रखिए अपना। रेडी, गर्दन की एक्सरसाइज से शुरू करेंगे।
ही काफी है। कुश्ती की ट्रेनिंग हम कल से शुरू करेंगे, लेकिन आप सब लोग समय पे आ जाइएगा, नहीं तो नियमावली में देर से आने वाले के लिए भी सजा है। नमस्ते। करिश्मा सिंह जी, हम सोच रहे थे कि ये लीडर चुनने वाला जो कंपटीशन है जी, उसे सनी के थ्रू अगर घर घर पहुंचाया जाए तो, इस सब का पूरे का अगर लाइव टेलीकास्ट किया जाए तो हो सकता है कि हमें देखकर कुछ लोग तो शायद प्रेरित हो जाएं। धर्मपाल के बहिष्कार के बावजूद शायद कुछ लोग हिम्मत जुटा पाए कि हमें फिर से अखाड़ा ज्वाइन करना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है? आइडिया तो मैडम सर भौकाल है, अगर ऐसा हो जाएगा ना तो दीप्ति के टूटे मनोबल को सहारा मिलेगा और वो अपने इरादे पे जो है अटल रहेगी।